अस्सलाम वालेकुम। आज के गूगल स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम एडवांस सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट है और आज हम देखेंगे कि एडवांस सिलेक्शन टूल कैसे काम कर सकता है। आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसके स्केल्स, एजेस और फेसेस के में किस तरह सिलेक्शन करके कितना जल्दी काम कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता है, ये हमारे पास फेसेस हैं और ये हमारे पास एजेस हैं। तो अगर हमें ये वाला एज जो है टॉप का, इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको हमने राइट माउस से क्लिक करके, अब हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, कनेक्टेड फेसेस, ऑल कनेक्टेड, ऑल ऑन सेम लेयर्स। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हमारे साथ ये एज है, ये एज को हमने सेलेक्ट कर दिया और एज के साथ जो फेसेस हैं उसको हमने अगर सेलेक्ट करना है तो बजाय कि हम मैनुअली उनको एक एक को क्लिक करके करें, हम सिंपल ये कर सकते हैं कि कनेक्टेड फेसेस। अगर हमने कनेक्टेड फेसेस करेंगे, ये देखें, इस एज को हमने सेलेक्ट किया और जब हमने कनेक्टेड फेसेस किया तो ये दोनों फेसेस जो हैं ये है कनेक्ट हो गए हैं। और इसी तरह अगर हम ये जो चिमनी है हमारे पास, इसके जो एज है इसको, और हम शिफ्ट प्रेस करके दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, बाउंडिंग फेसेस। जब हम बाउंडिंग फेसेस करते हैं तो ये जो फेस है इसमें आ जाएगा सारा। और इसी तरह अगर हम करते हैं कि कनेक्टेड फेसेस, इसके साथ जितने फेसेस जुड़े हुए हैं उनको भी अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये देखें, इसके साथ जितने फेसेस कनेक्ट हुए हुए थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। और इसी तरह अगर हमारे पास ये फेस है तो हमने और सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल कनेक्टेड, ऑल कनेक्टेड करते हैं तो ये देखिए जितने भी फेसेस और एजेस जो हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी फेसेस और एजेस जो हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। और इसी तरह हम इसके साथ साथ कुछ सिलेक्शंस हम मटेरियल के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो विंडो है यहाँ पे ग्लास का मटेरियल लगा हुआ है, अब हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और हम आते हैं ऑल विद सेम मटेरियल्स, जितने भी इसके साथ के मटेरियल्स होंगे जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखें इसके डोर्स, जो भी ग्लास का मटेरियल जहां पे भी इंप्लीमेंट हुआ है ये इसने सबको सेलेक्ट कर दिया है। और इसी तरह हम देख लेते हैं यहाँ पे वुडन मटेरियल है तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट के उसमें जाके ऑल विद सेम मटेरियल करते हैं तो जितने भी वुडन के थे वो सारे आपस में सेलेक्ट हो गए हैं, वो सारे आपस में सेलेक्ट हो गए। तो इससे ये होता है कि हम दो तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर वन सिलेक्शन के हम एजेस और फेसेस को सिलेक्ट करके उसके साथ वाले एजेस और जो फेसेस हैं उनको एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर सेम मटेरियल जहां जहां पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी एडवांस सिलेक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।